हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब पर वीडियोस पर व्यूज़ कैसे बढ़ाया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब एक तरह से पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम लोग वीडियोज़ अपलोड करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, और साथ साथ में यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करते हैं उससे हम लोग को वहाँ से कुछ ना कुछ इनकम भी जनरेट होता है। तो जब आप YouTube पर किसी वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो पर कम व्यूज़ आते हैं, जिससे आपको देखकर बहुत अंदर से बहुत ख़राब फील होता है कि यार मैंने वीडियोस पर अपलोड किया, वीडियो YouTube पे वीडियो अपलोड किया, लेकिन उस पर वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो मन बहुत अशांत हो जाता है। तो इससे लगता है कि हमारा व्यूज़ नहीं आएगा तो हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, इससे हमें ये भी लगता है कि हमारे पास व्यूज़ नहीं बढ़ेगा तो हम लोग आगे अपने चैनल को फुल मोनेटाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों से कैसे हमें सही करना होगा, अपने चैनल को कैसे सही करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको पूरा वन बाई वन पूरा मैं बताने वाला हूँ, तो इस पर आप ध्यान से समझिएगा। वीडियो की सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि उसकी अच्छी क्वालिटी देना। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो समझिए कि आपको समस्या आ सकती है आपके वीडियो को बूस्ट करने में। इसके बाद आपको थंबनेल आकर्षक बनाना है। अब देखिए, दो चीज़ मैंने बताया, एक तो मैंने बताया कि आपको वीडियोज़ की क्वालिटी अच्छी करनी है, दूसरा मैंने बताया आपको थंबनेल अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपने मार्केट में दुकान तो बना लिया, अब दुकान बना लिया, दुकान बनाने के बाद आपने बैनर नहीं बनाया, ठीक है, मतलब बैनर नहीं लगाया, या आपने दुकान को अच्छे से डेकोरेट नहीं किया, तो आप क्या आपको लगता है कि अगर आपने डेकोरेट कर लिया तो आपके पास क्लाइंट कस्टमर कैसे आएंगे? कस्टमर आपके प्रचार से आएंगे, और प्रचार करने के लिए आपको थंबनेल बनानी पड़ेगी, मतलब कि आपको बैनर बनाना पड़ेगा दुकान के लिए, तो बैनर कहलाता है, यूट्यूब के लिए थंबनेल कहलाता है। तो अगर आपका बैनर अच्छा बनेगा तब जाके आपके जो कस्टमर होंगे वो तो आपके पहले तो आपके बैनर को देखेंगे ना, डायरेक्ट तो दुकान में इन नहीं कर जाएंगे, पहले आपके बैनर को देखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका दुकान के अलावा और भी बहुत सारे दुकान हैं जो कि आप जो बेचते हो वही चीज़ वो भी बेचते हैं, तो वो तो सभी की दुकान में इन नहीं करेंगे ना, क्योंकि सब वो किसके इन करेंगे, जहाँ पे उसको बैनर अट्रैक्टिव लगेगा, बैनर में कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा जिससे लोग उसके दुकान पर चल जाएंगे। तो वैसे ही आपको अपने वीडियोस के लिए थंबनेल भी आपको रेडी करनी होगी, जो कि ऐसा थंबनेल होना चाहिए जिससे आपकी वीडियोस को मतलब वॉच करने से पहले आपके थंबनेल को लोग देखें, अच्छे से समझें कि इस वीडियो के अंदर में होने वाला क्या है, ठीक है। अब जैसे आपने दुकान में बैनर देखा, अब दुकान में बैनर देखने के बाद जैसे ही कस्टमर इन करेगा तो सबसे पहले वो गेट के पास आएगा, और गेट के पास अगर आपका कुछ अच्छा चीज़ ना दिखे तो आगे इन नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही आपका वीडियोज़ में भी है, तो स्टार्टिंग का पॉइंट एकदम विदिन 15 सेकंड या 30 सेकंड का बात करो तो 15 से 30 सेकंड आपको एक ऐसा टॉपिक देना होगा जिससे लगे कि अट्रैक्टिव चीज़ कि हाँ वीडियो के अंदर कुछ है, तो इसको वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए। तो 15 सेकंड तो आपको अपने व्यूअर्स को रोक के रखना होगा अपने चैनल पे, सॉरी अपने वीडियोज़ पे, तो ये काम आपको इमीडिएट करना होगा अपने वीडियोज़ में। इसके अलावा देखिए, आपको SEO करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने वीडियो की SEO अगर आप नहीं कर रहे हो तो SEO कीजिए, क्योंकि SEO अगर नहीं करोगे तो आपकी वीडियोस रैंक नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयरिंग करना भी जरूरी है। लोग बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं कि आपको अपने वीडियो को शेयर नहीं करना है, कहीं शेयर नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप शेयर कर सकते हो। अगर शेयर करने का अगर ऐसा गलत होता है तो आप ही बताओ कि यूट्यूब में शेयर का ऑप्शन क्यों दिया रहता है, वीडियो के नीचे जो शेयर का ऑप्शन दिया होता है क्यों दिया होता है, अगर ऐसा गलत होता है तो। आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो, बेझिझक शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शेयर कीजिए, ठीक है। आपको खुद से अपने वीडियो को वॉच नहीं करना है, ये यूट्यूब बोलता है, लेकिन आप अपने वीडियोस को शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे करो, यूट्यूब पे करो, फेसबुक पे करो, जहाँ करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। डिस्पेक्टिव एरर जो होता है वो इस कारण से नहीं होता है, डिस्पेक्टिव एरर का मतलब होता है कि आप गलत तरीके से वीडियोज़ पे व्यूज लाएं। बहुत सारे ऐसे स्पैमर हैं जो कि वीडियोज़ पे व्यूज उठा के दे देते हैं रोबोटिक, तो वो जो होता है ना वो गलत होता है, लेकिन आप अपने वीडियो को शेयरिंग करके अगर किसी ग्रुप में आप शेयर करो, आप ही बताओ, अगर शेयर गलत होता तो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का अपना व्हाट्सअप पेज बना हुआ है, व्हाट्सअप पेज आपको पता होना चाहिए, व्हाट्सअप पेज बना हुआ है, मनोज देखा ले लो या बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स सबका अपना व्हाट्सअप पेज है, तो व्हाट्सअप पेज क्यों बनाया गया है, वो लोग अपने वीडियोज़ को डायरेक्ट वहाँ लिंक शेयर करते हैं, तो क्यों करते हैं, गलत होता है तो फिर उनका भी प्रॉब्लम होता है, तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का कोई प्रॉब्लम आपका आपके साथ कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल शेयर कीजिए, बेझिझक शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आपके वीडियो पर रेगुलर वीडियो अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करोगे, देखिए व्यूज़ आना ना आना, सब्सक्राइबर बढ़ना ना बढ़ना, उससे कोई मतलब नहीं, कोई मैटर ही नहीं करता, आप अपना काम करो, व्यूज़ आना सब्सक्राइबर आना वो अपने आप आ जाएगा। आपका जब वीडियो कंटिन्यू अपलोड करोगे ना तो एक दिन ऐसा वीडियो आपका बनेगा जो कि एकदम यूनिक होगा,
और उस वीडियो पे आपके व्यू सब्सक्राइबर आ जाएंगे, देखिएगा आगे की वीडियोस पे भी आपको व्यू सब्सक्राइबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कंसिस्टेंसी रखना होगा, रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करने होंगे, सुबह शाम डेली वीडियो अपलोड कीजिए, इतना वीडियो अपलोड कर दीजिए। हाँ, बस ध्यान रखिएगा कि एक बार में एक ही वीडियो अपलोड होगा, मतलब कि वो सेम वीडियो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने एक चैनल अभी चेक कर रहे थे मैं, तो उस चैनल में क्या था ना कि आप लोग भी चेक कर सकते हो, मैं चैनल का नाम बताता हूँ, मोमो द रोस्टर करके चैनल का नाम है। उन्होंने क्या किया है कि एक ही जैसा वीडियो बहुत बार अपलोड कर दिया, अब लगभग 600 वीडियो अपलोड उन्होंने किया है। अब 600 वीडियो में उन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि मेरा कौन सा वीडियो है जो रिपीट दो बार मैंने यूज़ किया। मैंने वैसे काफ़ी सारे वीडियो मैंने वॉच किया, तो मुझे दिखा 10-15 वीडियो मैंने रीड भी किया, लेकिन मैंने दोबारा से जब उसे अप्लाई किया तो रीयूज कंटेंट दोबारा से आ गया। इसका मतलब कि उनके चैनल पर अभी भी मतलब ऐसा वीडियो है जो कि दो बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर रिपीट वीडियो अगर आपके चैनल पर आ जाएगी, आपका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होगा, रिजेक्ट कर देगा, बार बार अपील आएगा, तीन बार अपील करने के बाद चौथा बार आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट मीन्स चैनल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है जो कि आपको टॉपिक जो है ट्रेंडिंग टॉपिक आपको ढूंढना होगा। यूट्यूब पे ट्रेंडिंग टॉपिक अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हो तो समझिए कि आपका यूट्यूब पे रहना ही गलत है। यूट्यूब पे ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढिए। इसके अलावा अगर कोई कमेंट आपको करता है आपकी वीडियोस पे तो कमेंट का रिप्लाई जरूर कीजिए। अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं करोगे तो आप अपने व्यूवर्स के साथ इंगेज नहीं रहोगे, आपके व्यूवर्स आपको नहीं समझेंगे। आपको एक बार कमेंट किया, वो कमेंट इसलिए करते हैं ताकि आप उसको रिप्लाई दो। अगर आप रिप्लाई दोगे तो वो आपके लिए एक अच्छा व्यूवर्स हो जाएगा, आपका सब्सक्राइबर बन जाएगा कि नहीं इन्होंने मुझे कमेंट किया। आप उनके कमेंट पर लाइक कीजिए। ठीक है, और भी वो जगह आप कमेंट कीजिए, जो भी आप वीडियो देखते हो आप अपने चैनल से कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कमेंट अच्छा लगा तो वो आपके आपके चैनल पर क्लिक करके वॉच भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ टैग्स देने का बिल्कुल यूज कीजिए। टैग्स जो नीचे दिया होता है टैग का ऑप्शन, 500 टैग देने होते हैं, टैग दीजिए। विदाउट टैग अगर वीडियो अपलोड करते हो आपके वीडियोस पे बिल्कुल भी व्यूज वॉच नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो टैग दीजिए, टैग से आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करता है लोगों के बीच में। इसके साथ साथ में आप लोगों को बताइए, शेयरिंग करवाइए। ठीक है, शेयर बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके चैनल के लिए, ये सारी चीज़ कीजिए। बाकी कोई भी सुझाव चाहिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।